नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के केंद्रीय विद्यालय एक को, जिसे पीएम श्री स्कूल का भी दर्जा मिल चुका है, यहां पर रीवा जिले के 17 स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चे परीक्षा में चर्चा को लेकर एकत्र हुए। एक चित्रकला प्रतियोगिता के लिए बच्चों को विषय दिया गया था चंद्रयान, आदित्य वन, विकसित भारत की परिकल्पना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर, उसके मंत्रों पर आधारित थीम को लेकर। आज का दिन खास तौर से चुना गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के रूप में, जिसे पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्कूल विभाग चाहता है प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार बच्चे परीक्षा के पहले टेंशन फ्री रहें, बच्चों को ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, जिसके चलते चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी कला का, हुनर का शानदार जौहर दिखाया। रीवा में केंद्रीय विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा 2024 समारोह के अंतर्गत पराक्रम दिवस के उपलक्ष के रूप में मनाया गया। इस प्रतियोगिता में रीवा जिले के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एक के बच्चे केंद्रीय विद्यालय दो नवोदय विद्यालय सीएसई स्कूल से मान्यता प्राप्त विभिन्न प्राइवेट स्कूल, राज्य बोर्ड के मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय के 17 विद्यालय के 100 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस मौके पर खास तौर से दिनेश कुमार पाठक प्राचार्य सेंट्रल एकेडमी स्कूल सीबीएसई समन्वयक रीवा का उपस्थिति रही। विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती रविता पाठक द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत के साथ ही इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पर माल्यार्पण के दौर पराक्रम दिवस के उपलक्ष में पुष्प अर्पण किया गया, दीप प्रज्वलित किया गया, नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई, चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। बच्चों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस परीक्षा योद्धा पुस्तक के मंत्र, आदित्य L1, विकसित भारत, चंद्रयान, खेलों में भारत की सफलता आदि के बारे में जानकारी देते हुए प्रतियोगिता के नियमों से बच्चों को अवगत कराने के बाद प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया, जिसमें बच्चों ने शानदार अपनी हुनर का परिचय दिया। चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने पूरे उत्साह मनोयोग से भाग लिया। हमारी टीम ने प्रभारी प्राचार्य श्रीमती रविता पाठक के अलावा वहां पर मौजूद निर्णायक मंडल, बच्चों को लेकर आने वाले लोगों, खास तौर से प्रतियोगिता में भाग ले रहे बच्चों से भी बात की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। किस स्कूल से हैं, क्या पेंटिंग बनाई? दिल्ली पब्लिक स्कूल से मैंने चंद्रयान के ऊपर पेंटिंग बनाई है अपनी। चंद्रयान ही क्यों? बिकॉज वो इतने साल से मतलब सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, फिर इतने मतलब इतने साल की मेहनत के बाद फिर वो सक्सेसफुल हुआ, और मतलब इंडिया का सबसे बड़ा मिशन यही था चंद्रयान लैंड करना। क्या नाम है? पलक सिंह। किस स्कूल से आई हैं, क्या पेंटिंग बनाई और पेंटिंग में क्या खास बनाया? सर, मैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल से हूँ और मैंने विजन ऑफ न्यू इंडिया पे अपनी पेंटिंग बनाई है, और मेरी स्पेसिफिकली मेरा फोकस था एजुकेशन पे, क्लीनिनेस पे एंड एग्रीकल्चर पे और वुमेन एम्पावरमेंट पे। क्या नाम है आपका? सौम्य द्विवेदी। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं सुभाष चंद्र बोस नेताजी की पेंटिंग बना रहा था। सुभाष चंद्र नेताजी की ही पेंटिंग क्यों? क्योंकि आज पराक्रम दिवस है, आज उनका जन्मदिवस था। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 महाविद्यालय है और इसमें आज रीवा जिले के प्रतियोगिता का है, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें पूरे जिले से सभी बहुत सारे बच्चे हैं, करीब करीब 100 बच्चे हैं और सभी बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, और ये पेंटिंग सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष में की जा रही है, और इसमें सभी बच्चों का उत्साह बहुत देखने को मिल रहा है। और ये परीक्षा के दिनों में आमतौर पे जो बच्चे होते हैं, यह एक प्रकार से मानसिक स्तर पे जो होते हैं थोड़े प्रभावित रहते हैं अपने एग्जामों के डर के कारण, तो इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं ये बच्चों को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं।
बच्चे यहाँ पर बहुत सुंदर बना रहे हैं। इवन थोड़ा सा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए भी, कैसे हम लोग जजमेंट करेंगे, पर बच्चे बहुत सुंदर बना रहे हैं। और नेताजी की जयंती भी है आज, उस पर भी बच्चे बना रहे हैं अपने ड्राइंग्स। पेंटिंग में बच्चों ने अपनी सहभागिता दी है, तो अगर पेंटिंग के समय मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ही मनोयोग से पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत शानदार पेंटिंग बनाई हुई है। 17 स्कूलों के लगभग 200 बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। और ये हमारे जो सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो परीक्षा पे चर्चा से संबंधित जो मंत्रास थे, उस पर बच्चों ने पेंटिंग बनाई है। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी है। मैं डॉक्टर प्रभाकर द्विवेदी मार्टन कुमांग के एक एक्सीलेंस स्कूल रीवा से हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था हमें लगी यहाँ पर, सबको सिस्टमेटिक तरह से बिठाया गया, सबके लिए प्रॉपर नाश्ता चाय पानी की व्यवस्था की गई और टाइमली सभी कुछ शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगा। आज मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 1 पे आई हुई हूँ। यहाँ पर कम लगभग 17 विद्यालयों ने भाग लिया है। सभी प्रतिभागी अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं। और यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा लगा, सारा कुछ जितने भी इंतजाम है बहुत अच्छा है, काफ़ी कॉपरेट किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रफुल्लित है, मन प्रफुल्लित है स्टूडेंट्स को देखकर। ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा में परीक्षा पे चर्चा 2024 के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस चित्रकला प्रतियोगिता में हमने हमारे छात्रों को, जो विविध विद्यालयों से आए हैं, जिले भर से आए हैं 100 बच्चे, लगभग 17 स्कूल्स का पार्टिसिपेशन है, उनको विभिन्न थीम दी गई है। थीम में हमने उनके लिए चंद्रयान, आदित्य वन और हमारे विकसित भारत की संकल्पना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि विषय दिए हैं। इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा जो होने जा रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो किताब है एग्ज़ाम वॉरियर, उसके मंत्रों पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता के टॉपिक और थीम दिए गए हैं। इसका जो पर्पस है वो यह है कि हमारे बच्चों को परीक्षाओं का सामना करने की ऊर्जा मिले, शक्ति मिले। साथ ही साथ आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मना रहे हैं पराक्रम दिवस भी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, इस विषय पर, ताकि छात्रों को हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानने का मौका भी मिले, और इसके अलावा उनसे मिलने वाली सभी जो शिक्षाएं हैं, जो हमारे देश के प्रति उनकी फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे छात्रों को ज्ञान प्राप्त हो, हमारे छात्र उनके बताए गए रास्तों पर चलें। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।